शादी करने का कभी मन होता है या? हाँ, एक इतने इतने जैसे मन हुआ किसी से, जैसे दोस्ती, भाईचारा, प्यार, कभी लगता है कि मतलब हमारे भी बच्चे हों? देखो, लगता है, मन में आता है कि अपनापन हो। किसी को अट्रैक्ट कर रहा हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोवर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। हम हर मुद्दे की बात करते हैं, सबकी परेशानियां आप तक साझा करते हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसे तबके के लोग जिनकी ना कोई आवाज़ बन पाता है, वो खुद ही अपनी एक आवाज़ होते हैं। अगर कोई समस्याएँ होती हैं या उनके साथ किसी भी तरह की घटनाएँ होती हैं, तो उनके साथ ना कोई नेता होता है और ना ही कोई और उम्मीद, कुछ भी नहीं, बस डायरेक्ट कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनके बारे में हम आप सबके साथ जो है बातें साझा करेंगे और उनके बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार उनकी ज़िंदगी कैसी है। क्योंकि जब भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं, किन्नर समाज को देखते हैं, तो सबसे पहला एक यही आता है कि आखिरकार ये लोग जीते कैसे हैं, इनकी पूरी जीवनी क्या है। तो ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर किन्नर समाज भी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कुछ सहा है और आज क्या क्या कुछ सहना पड़ रहा है, या किस तरह से अपनी ज़िंदगी में हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, उनको उनसे फाइट करके आज आगे बढ़ रही हैं। साहिबा जी, नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। अपनी जितनी भी मेरी मीडिया है, क्यों मीडिया से मुझे बहुत कुछ मिला है और मीडिया के सहारे मैं चल पाई हूँ इतना, क्यों इस दुनिया में कोई किसी की इतनी वो नहीं होती है। एक प्लेटफार्म ऐसा मीडिया है जो हम अपनी एक आवाज़ बन सकते हैं। साहिबा जी, आपको हर कोई साहिबा के ही नाम से जानता है। साहिबा के नाम से ही जानते हैं, क्यों मेरा एक प्रेम है, एक प्यार है मेरा सारे लोग मुझसे, मेरे नोएडा वासियों से, जितने भी मेरे गाँव वासी, मुझे एक औलाद, एक परिवार की तरह मुझे मानते, तो प्यार से मुझे साहिबा कहते हैं। साहिबा साहिब किन्नर कहते हैं मुझे। आपके बारे में हमने सुना है आप समाज सेवा भी करती हैं। हाँ, मैं समाज सेवा करती हूँ, जो मुझ पर बनता है, जो मेरे बहन भाई मुझको देते हैं, मैं आगे हर दुख में कोई भी व्यक्ति हो, मैं एक इंसानियत को फॉलो करती हूँ। मतलब एक इंसानियत कोई भी हो, या जीव हो या जंतर हो, जो हम पे बनता है, हमारे किन्नर समाज, हर जगह के किन्नर समाज हर किसी की समाज सेवा में रहते हैं। हमारा किन्नर समाज में एक ये चीज़ ज़रूर पाएगी आपको। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं, हम किसी की मदद कर रहे होते हैं, बट अब देखा जाए एक किन्नर होने के नाते, कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ लोग ऐसे बोलते थे नहीं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, क्या आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था? मुझे आप फैन ऐसा तो कुछ नहीं, हम जिसकी मदद करते हैं पहले तो दुआओं से करते हैं, किसी के घर जाते हैं और जिनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है हम वहाँ दुआ करते हैं, और जो बेचारे मजबूर हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं बन पाती है, तो हमारे किन्नर समाज में बहुत गरीबों की हेल्प करते हैं, बेटियों की शादियां करते हैं, और कोई परेशान है, कोई आ गया जिसके घर में कुछ नहीं बना, तो घर आन के कुछ न कुछ राशन देते हैं, जो हेल्प बनती है किन्नर समाज बहुत करता है। किन्नर समाज अपनी जगह जो बनता है इंसानियत के नाते, बहुत सब कुछ करते हैं किन्नर समाज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंगना। और आपका? मेरा नाम फराम। आप लोग कहाँ से हैं? मुझे नहीं पता दादी, मैं नहीं जानता। अच्छा, तो मतलब साहिबा जी को आप लोग प्यार से दादी जी कहते हैं। अच्छा, ये मेरी पोतियाँ हैं और मेरे पास ही रहती हैं, बहुत प्यार से रहती हैं, और जो मैंने तकलीफ़ों से गुजरी हूँ, तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे नहीं गुजरे, जो वक्त मैंने नीचे उछल नीचे ऊपर देखा है ना, मेरे बच्चे नहीं देख पाए, तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को भी, जो तकलीफ़ों से मैं गुजरी हूँ, तो मेरे बच्चे नहीं गुजर पाए, मेरे बच्चों का घर अपना हो, सब कुछ अपना है। आप लोगों का, मेरे नवेटा वासियों का बहुत प्यार है, मुझे सब कुछ दिया है मेरे गांव वासियों ने, मेरे गांव के लोग बहुत मेरे लिए सपोर्ट करते हैं, और मैं उनकी एक फैमिली की तरह रहती हूँ इस परतला गाँव के अंदर। दादी जी कितना खुश रहती हैं? बस दादी जी बहुत खुश रहती हैं। बहुत खुश रहती हैं।
सारी जो जरूरतों की चीजें होती है क्या हर चीज पूरी करती है? हर चीज पूरी, सब चीज पूरी करती है हमारी दादी। घर परिवार की याद नहीं आती? दादी के होते नहीं आती हम लोग को किसी की भी याद। आपने तो इनके दिल में जादू कर दिया है क्योंकि देखा जाए प्यार है, मैं अपनी तरीके से जीती हूँ ना, सबका अपना अपना रूल है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों से कहती हूँ आप नहीं है जिंदगी में जो इंसान समाज के बीच में रहिए, आप ऐसी एक क्वालिटी बनाओ, एक प्यार बनाओ जो पीछे आपको याद करें। पैसा क्या है, आती जाती है, आज कल आज है कल नहीं है, उनसे पहले बड़े बड़े लोग आए, उनसे पैसे बड़े बड़े निशीम महाराज दुनिया के अजीब दुनिया के लोगों ने दुनिया देखी, मगर कुछ लोगों की जो साधु संत फकीर उनकी आज तक नहीं है, वही बाणी चली आ रही है। तो इसलिए कहते हैं दुनिया में प्यार बनाओ बेटा, मैं इनको ये कहती हूँ अपना प्यार बनाओ, सबसे मोहब्बत फैमिली की तरह रहो, आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। दादी जी की अच्छी बात क्या लगती है? दादी जी हमें प्यार बहुत करती हैं जी, हमारे हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। अच्छा कोई रूल है कि आप लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है, कब तक नहीं निकलना है, ऐसे कुछ रूल्स रहते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ ठीक रखते हैं दादी। अच्छा कई बार देखा जाता है लोग आप लोग जब जा रहे होते हो तो बड़े गलत गलत कमेंट्स भी लोग बोलते हैं, क्या ऐसा कुछ आप लोग जूझे हैं? हम उन पर गौर नहीं करते, हम इग्नोर कर देते हैं उन सब बातों को क्योंकि हमारे गुरु जी ने नहीं सिखाया। तो आपकी गुरुजी से बात करेंगे क्योंकि वो बहुत अनुभवी हैं और 40 साल मुझे लग रहा है ना। हाँ तो आपने अपने बचपन में सबसे पहले जब आप पैदा हुए तो बाद में क्या कुछ परिवार वालों को कैसे क्या आपको कुछ पता चला? परिवार के बीच में मेरी काफ़ी दिन मैं ऐसी थी कम से कम 12-14 साल की होंगी, मैं जब घर से निकली थी तो मुझे कुछ दिख गया था कि मेरी ज़िंदगी का माँ बाप के तक ठीक है, आगे बड़ा मुश्किल होगा। तो फिर मैं वहाँ से आ गई थी फिर अपनी बड़ी गुरुजी के पास, फिर मैंने आने के बाद रही तो मुझे गुरु से ज़्यादा मेरे गांव वासियों ने मुझे बहुत प्यार करा। मुझे लग रहा है आँखों में अभी भी वो यादें या वो चीज़ वो पल कहीं ना कहीं आ ही जा रही है। वो यादें तो होती हैं, अपने किसको बुरे लगते, कहीं ना कहीं ऐसा हर चीज़ का ऐसा वक्त होता है, हर चीज़ का किसी सभी तो जाति के लोग हैं मेरे यहाँ, मुसलमान हिंदू सब, मगर मेरे यहाँ एक मैं इंसानियत को फॉलो करती हूँ, एक इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। तो ईद भी होती है कुछ लोगों की, बकरा ईद भी होती है, तो कुछ दिन थोड़ा सा अफसोस करते हैं फिर अपनी पूरी ज़िंदगी रूटीन पर आ जाते हैं। होली हुई, दिवाली हुई, फिर हम वैसे ही फिर घुल मिल के 2 मिनट का थोड़ा सा वो होता है एहसास सा, फिर कहते हैं हम भी आज खास अच्छे होते, मतलब अच्छे तो हब भी ऊपर वाले ने हम लोगों से बहुत अच्छा बनाया है हमको, मैं कहती हूँ हम लोग उनसे बहुत बेटर हैं, हमको एक सलीका मिला है, प्यार मिला है, बड़ों का प्यार मिला है। यहाँ पर घर पे रहने से भेद भाइयों में आजकल इतना प्यार नहीं है, कितनी दुनिया खुश है, माँ बाहर एक लड़का अपनी माँ को रोड पर छोड़ के चले जाता है, हम लोगों में ऐसा नहीं है, हम लोगों में गुरुओं का बड़े गुरुओं का थोड़ा एहतराम होता है। अच्छा आप कहाँ तक पढ़ी है? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई हूँ, सिर्फ मुझे आप लोगों का मेरे नवाडा वासियों को बहुत प्यार मिला है, उनकी लैंग उनकी मोहब्बत से थोड़ा मुझे बहुत प्यार है, मैं पढ़ी हुई बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा आपको कब ये पता चला कि ये दुनिया जो है मेरी जैसी नहीं है और मुझे अब इस दुनिया में जाना चाहिए, कैसे आए? मैं बचपन से ही ऐसी थी, जैसे बचपन जो होता है ना एक बच्चे का, तो 2-3 साल के बच्चे को कुछ नहीं होता, जब 5-6 साल का होता है तो मुझे बड़ा शौक़ था मम्मी का काम करना, घर का सफाई करना और घर में रहना, तो मुझे कुछ फील होता था मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ, मेरी कुछ अलग हलचल है, तो मैं अपने आप को कभी लड़का नहीं समझ पाई थी। तो मैं एक फिर बाद में मुझे लगा ये मेरी सोच से अलग है, तो मैं जब मेरे कभी ये मिल जाते थे तो मुझे एक बहुत वो मिलती थी मुझे एक कि कुछ मेरे लोग हैं ये, कुछ मेरे अपने हैं ये, और मैं घंटों घंटों बैठ जाती थी बातें करती थी जैसे कोई अपने मिल जाते हैं। तो फिर मुझे घर से कुछ ताने भी मिलते थे, धक्कारें भी खाई पड़ोस की, बहुत कुछ सिया, अब उनके बारे में मैं बोल भी नहीं सकती, देखो ये मीडिया ये मैं एक प्लेटफार्म पे बोल रही हूँ तो ताकि उनको किसी के दिल को ठेस भी नहीं लगे, जो हुआ सो हुआ, मगर अब जो है मैंने अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को मुझे खुद चलाना है किस तरीके से, क्योंकि इंसान को खुद चलना चाहिए, खुद समाज में जीने का अधिकार है सबको अपना अपना,
कोई दुनिया में कोई किसी को सिखाने नहीं आता, लड़ना पड़ता है हालात से। जब तक आप हालात से नहीं लड़ोगी बिटिया, आपको पता नहीं लगेगा ये दुनिया कैसी है। आपको कैसे पता लगेगा भाई का रिश्ता कहाँ है, बहन का रिश्ता कैसे है, परिवार का रिश्ता कैसे है और पड़ोसी का रिश्ता कैसे है। समाज में जो दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर घूमते, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा ये दुनिया कैसी है और मेरे भारत का कल्चर कैसा है और बाहर का कल्चर कैसा है। आप भी जब आए थे तो क्या आपके परिवार में भी ऐसे ही कुछ देखने को? मैं तो बहुत छोटी आ गई थी गुरु के पास। कितने साल के हो गया? 2-3 साल की होंगी मैं तब। रूबी आई है? रूबी आई है अभी हमारे यहाँ। रूबी क्या कुछ फेस करना पड़ता है? सब कुछ। जैसे? जैसे जब मैं यहाँ आई थी बस। मतलब मम्मी का सपोर्ट था बट इन्होंने सपोर्ट इन्होंने सपोर्ट किया, मतलब इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने फिर लेके गए अपने घर, बहुत प्यार दिया। लेकिन आपके अपने घर में क्या कुछ फेस करना पड़ा? पापा भाई कुछ? कुछ नहीं बस। अच्छा, आप लोग जब कभी कहीं जाते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो सुनने में खटकते हो वो कुछ? मैंने क्या बोला अभी, ये दुनिया है, इस हालात से हमको खुद लड़ना पड़ेगा। दुनिया है, देखो अभी कोई अच्छा खासा इंसान है, घर बना रहे, प्रॉपर्टी बना ले, खूब फर्स्ट क्लास गाड़ी PMW लेकर, और बगल में पड़ोसी तो उनके भी, वो खुद उनके ताने सहता है, तो हम कहते हैं कहने दो, हम कभी गौर ही नहीं करते। मगर कोई अपना रिलेशन में कोई अपना कोई सगा कहता है ना, वो दिल को लगता है। दुनिया का हमको कभी नहीं लगता, दुनिया है, हम तो कहते चलो कुछ नहीं, तो कोई गौर भी नहीं करते। ऐसा आशीर्वाद दे करके और चले जाते हैं, वो खुद फिर पैर छूने लगते हैं हमारे। तो इसलिए तो हमारे किन्नर समाज के अंदर बहुत, अब तो बहुत एजुकेशन हो गए, समझदार हो गए और एक दूसरे की हेल्प बहुत करते हैं। मेरे समाज में कुछ कुछ गलत तबका आ जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा, देखो आजकल देखो हर जगह पुलिस वालों के अंदर डुप्लीकेट आ जाते हैं, कभी कोर्ट के अंदर चले और नकली वकील बैठ जाते हैं। तो ये तो दुनिया है, दुनिया कॉपी करने में एक लंबर में बनी हुई है, ये कॉपी कर लेती है। ये भारत ही मारा ऐसा ही हर चीज़ की कॉपी कर लेता था, ऐसे हम लोगों की भी कुछ कॉपी करके लोग नहीं है, बनावटी भेज करके मांगते हैं। मगर जो हमारे इलाके वाले होते हैं, जो इलाका मांगते हैं, जो घर परिवार वाले होते हैं, वो बहुत समाज से तरीके से सम्मान के साथ रहते हैं। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ना मूवीज़ में भी देखा है कि जब किसी भी किन्नर की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उस वक्त कहते हैं कुछ लोग कि अर्थी ले जाते हुए किन्नरों की नहीं देखनी चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि मारते हुए लोग ले जाते हैं, क्या क्या है इसके पीछे की पूरा? ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास हर तरीके की वीडियो, मोमनन होता है तो मोमनन के तरीके से कब्रिस्तान बाकायदा लेके जाते हैं। और जो हमारे हिंदू समाज के जो लोग होते हैं, हमारे हिंदू समाज में बाकायदा जैसे आम लोगों की अर्थी आती है ऐसे जाती है। ये सब बनावटी बातें हैं, ये सब बेकार की बकवास बातें हैं और ये सब बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसकी जो धर्म का होता है, क्रिश्चन है तो क्रिश्चन के तरीके से उसको करते हैं। अगर देखा जाए तो मूवीज़ में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सब बेकार, वो सब बेकार की बातें हैं। मूवी में सब बेकार की बातें। देखो मेरे घर में देखो डेथ हुई मेरे चेले की, मोमनन थी, हज कर आई थी वो, तो मैंने उनको दफनाया दिल्ली कब्रिस्तान कोटला के अंदर। हमारे पे उसका सर्टिफिकेट है, कॉपी है, सब कुछ है। और जैसे हिंदू धर्म में हमारे जो लोग हैं, जैसे हमारे राखी हैं और भी हैं, तो हम हिंदू धर्म से करते हैं। हमारा कोई धर्म नहीं है, हम एक परिवार, एक फैमिली। आप हर तरह के त्योहारों को मनाते हैं, ईद हो, दिवाली हो, ईद हो, त्यौहार हो, दिवाली में खूब सजाते हैं, होली खेलते हैं, ईद बनाते हैं, बकरीद सब कुछ बनाते हैं। हम किसी को मायूस नहीं, क्योंकि हमारा परिवार है, फैमिली है, इनका अपना अपना दिल ही, किसी भी मजहब को फॉलो करें, जिसकी आस्था, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। आप किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कह सकते, और ना आपका अधिकार है किसी के दबाव बनाने का। किसी को दबाव बना के किसी को मन से कुछ करवाया तो उस मन को गुठन होती है, वो दिल बन गया और हम आज़ादी है, हमारा संविधान है, अब अपने संविधान में हम हर चीज़ को मान सकते। हमारा भारत देश ऐसा है कि इतनी शांति, इतनी नदी से लेके साधु संत महात्मा पीर वलियों से लेके सब चीज़ से लेके, वो हमारे कल्चर के अंदर बसी हुई है, वो कहीं किसी देश में नहीं मिलेगी। बताइए आप, देखा है ना, कहीं नहीं मिलेगी ना। हमारे देश की जैसी संविधान, प्यार, मोहब्बत, पड़ोसी को देखना, ये तो अब थोड़ा सा कल्चर हो गया। मीडिया जो आई है 15 साल से, जो सोशल मीडिया की वजह से बच्चे थोड़ा सा हो गए नहीं, पहले कितने प्यार मोहब्बत से दुनिया चलती थी 20 साल पहले।
तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे लोगों में, ये सब अफवाहें, बेकार की बातें, मार के ले जाना, ये सब बेकार की मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ। फिर मेरे पास जिनकी डेट हुई है उन किन्नरों की पूरी वीडियो रखी है, आप चाहें तो ले सकती हैं मुझसे, पूरे विधि विधान से किया जाता है। आराम से, जैसे नॉर्मल, और बाकी के सब लोग लेके जाते हैं हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग। अच्छा, जैसे ये लोग कहते हैं ना कि मतलब देखना नहीं चाहिए, तो क्या ये सच नहीं, 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 नहीं। आपके प्यार है, जैसे आप मेरी पड़ोसी हो, आप मेरे को देखने आ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। फेस्टिवल आप लोग मनाते हो तो उस वक्त क्या रहता है कि कुछ नए नए कपड़े और मेकअप? हाँ हाँ, खूब शॉपिंग करते हैं हम लोग। हाँ, हम कोई त्यौहार में वो भेदभाव नहीं करते, बहुत दिल से मनाते हैं सारे त्यौहार। क्या पहनना ज़्यादा पसंद है? जो त्योहार पे पहनते हैं सब? नहीं, सूट या साड़ी? क्या तो ज्यादातर सूट ही पहनती है। सूट? हाँ। आपको भी सूट पसंद? हाँ। है, आपने सबसे पहले बोला इस सवाल का जवाब। हाँ, सूट सबसे अच्छा लगता है। आपको? सूट, साड़ी, साड़ी दोनों। अच्छा, सोशल मीडिया में आप लोग एक्टिव हो? हाँ, इंस्टाग्राम वगैरह का होगा, रील वगैरह सब बनाते हैं। जी जी जी, इतना ये मेरे बच्चे नहीं है, मैं बचपन से सोशल मीडिया पे प्लेटफार्म पे रही हूँ। मैं मतलब यहाँ तक नहीं पहुँची थी, मैं भी एक बहुत साधारण जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पे ना तो घर था, ना मेरे पे कुछ नहीं था, फिर मेरे गुरुओं का प्यार मिला मुझे, सब कुछ मिला उनकी दुआओं से। मैंने भी बहुत वक्त गुजारा है ज़मीन पे, प्लेटफार्म पे सोई हूँ, घरों पे सोई हूँ, मंदिरों में सोई हूँ, मस्जिदों में सोई हूँ, मैंने बहुत वक्त गुजारा है। तो मैं चाहती हूँ जब तक मैं वो कल्चर अपना लेकर नहीं आऊँगी, मैं अपने दिल में दबा के रखूँगी, तो ये भी गुमराही की ज़िंदगी लेकर। मैं चाहती हूँ जैसे मैं समाज के अंदर खुल कर आगे आई हूँ, तुम भी समाज में रहो, अपना अधिकार है आपको अपना बोलने का, चालने का, बहन का, माँ बाप से सबको, मगर किसी को डिस्टर्ब नहीं करो, मैं ये कहती हूँ। वो पता चल रहा है आपकी बातों से, ये पूरा साफ पता चल रहा है कि मतलब आपके लिए अगर सबसे पहले प्रायोरिटी है तो इंसानियत। कभी ऐसा नहीं लगा कि पढ़ने का मन कर रहा है, कुछ बनना है? दादी ने पढ़ाया हमें। पढ़ाया है? जी, मैं 12th पास हूँ। अरे वाह, मैं 10th पास हूँ। 10th पास है। कभी सपना कि मतलब मुझे मॉडलिंग करनी है या मुझे? हमारी दादी सारे शौक करवाती हैं हमें, सब शौक पूरे हो जाते हैं। जी जी जी, इनका दिल चाहे इनको बॉलीवुड में बुलाना चाहे जा सकती है, किसी चीज की मना भी नहीं है, हमारी दादी सब चीज करवाती हैं। जी, और दादी का मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से एंजॉयमेंट? हां, बहुत अच्छे दादी, बहुत सपोर्ट करती दादी, बहुत एंजॉयमेंट करवाती दादी। क्या नाम है आपका? राखी। राखी जी, राखी सावंत सुने हैं आपने, हीरोइन का भी नाम है राखी सावंत। तो भी अच्छी है, तो भी सुंदर है। कब से आई है यहाँ पे आप? मुझे तो काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया। कैसा लगता है यहाँ पर सब लोगों के साथ एंटरटेन? आप लोग जब काम करके आते होंगे घर वहाँ से, तो क्या लगता है मतलब उस वक्त आप लोग एक दूसरे को कैसे एंटरटेन करते हो? लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता? नहीं होता है, थोड़ा बहुत आपस में लड़ाई में हो जाते हैं। हाँ, तो गुरु समझाती है फिर मान जाते हैं। सब पढ़ाई की है आपने? नहीं। कुछ सपना? सपना क्या होगा हमारा, यही सपना है, मांगना खाना, बस खाली सबको दुआ देना, अच्छे लोगों को और सबकी खुशी में शामिल होना, हमारा तो यही सपना है बस। अच्छा, आप लोगों को जैसे कि होता है ना कि बच्चे मतलब आप लोगों को ये कैसे पता चलता है कि ये हमारे समाज है? ऐसा होता है ना, जब हम लोगों को पता लगता है ये इस तरीके का बच्चा होता है ना, तो उसकी हलचल हतल पुतल अलग ही दिख जाती है। तो हम उसको पहले, लोग सब बकवास की बात है, ये घर से लेकर आ रहे हैं, ये लेकर आते हैं, वो बच्चे के अंदर नेचुरली कुदरत की तरफ से जो हान जो भी कुछ होता है उसके अंदर, जो उसके नेचुरली होती है, वो खुद दिख जाती है। 9-10 साल के बाद वो खुद दिखने लगता है, तो या तो वो खुद आ जाता है या माँ बाप छोड़ जाते हैं उसके। हाँ, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ भी नहीं, सब ये सब बेकार की बातें जो मीडिया में ये बात दिखाते हैं, वो जो पिक्चर में दिखाते हैं मार के, ये सब बेकार है। ये मैं इसके बारे में मैं आगे इस प्लेटफार्म पे, बड़े प्लेटफार्म पे मैं बोलना चाहती हूँ, और मैं बोलूँगी भी इस समाज के लिए कि इस समाज के अंदर इतनी तरीके से उतार चढ़ाव के नहीं दिखानी चाहिए कोई बातें, जो हो वो दिखाना चाहिए। कभी परिवार की याद आती है? हाँ आती है, बातचीत होती है? हाँ। मतलब कोई कनेक्ट है आप लोगों से? हाँ आपकी भी होती है, परिवार की याद आती है? आती है। दादी जी कैसी लगती है? दादी जी तो हमें आपकी भा गई है। दादी जी बहुत बढ़िया दादी। हाँ, देखिए परी भी जी आ गई है, नाम भी परी है। थैंक यू। अच्छा नाम है? मेरी दादी ने रखा है मेरा नाम। पहले क्या था?
पहले नाम बालपरी था, अब दादी ने परी नाम दिया। अच्छा, पढ़ाई की आपने? पढ़ाई नहीं करी। क्या करते हो फिर? पढ़ाई नहीं माँ बापों ने, दादी जी तो है इतनी अच्छी, ने पढ़ाया। हाँ, ट्यूशन भी लगाई मेरी यहाँ पे। अच्छा, 10 साल की उम्र में आ गई थी किन्नरों में। किन्नर हूँ तो किन्नरों में कटेगी जिंदगी, क्या करें। पढ़ाई कहाँ तक की है? 5वीं तक बस। मम्मी पापा की याद आती है? मम्मी पापा तो ऊपर चले गए। अच्छा, कोई नहीं है? नहीं, यही सब कुछ है मेरा संसार, माँ बाप सब यही है। कभी लगता नहीं है कि महसूस ही नहीं होने देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे याद भी नहीं आती। बहुत प्यार देते हैं मुझे, जो चाहिए होता है वो, जो चाहिए मुझे वक्त से पहले ला के दे देते हैं। हर कोई खुश रहे आपसे पूरी। अच्छा, एक सवाल ये है कि क्या शादी करने का कभी मन होता है या आप लोग में शादी की जाती है? मैं साफ सच बोलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता शादी वादी के बारे में, और किन्नरों का कोई नहीं। हाँ, एक इतने मन हुआ किसी से, जैसे दोस्ती, भाईचारा, प्यार, नमस्ते, या तो उसको तुम दोस्ती समझ लो, कुछ समझ लो, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। किन्नर कभी किसी को अपना हमसफ़र नहीं बनाता, हमारा हमसफ़र अपने लोग ही होते हैं। अच्छा, ये थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर, देखो ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर का मतलब ये होता है ना, वो हो गए उसमें ट्रांसजेंडर में। ट्रांसजेंडर का मतलब बच्चे जो आज के होते हैं एजुकेशन वाले, वो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो अपने समाज की नहीं लड़ रहे हैं, अपनी सोसाइटी की नहीं लड़ रहे हैं। हमारा है एक अलग इलाके वाले, बच्चों को दुआएं देना, आशीर्वाद देना, शादियों में जाना, ब्याहों में जाना, क्यों हमारा एक शुभ कार्य होता है। वो एक ट्रांसजेंडर का ही हो गया, वो अपनी लाइफ खुल के जीना चाहते हैं, वो खुल के अपने प्लेटफार्म पर रखना चाहते हैं, वो उनकी अपनी लाइफ है, हम उनकी लाइफ में क्या क्या इंटरफेयर दे सकते हैं। वो जॉब करें या अपना खुद का अपना बिजनेस करें, कारोबार करें, या अपनी लाइफ कैसे भी जिए, वो शादी करें या बॉडी उनकी अलग रहती है और मन अलग रहता है, मन अलग रहता है। तो मैं उनकी वो लाइफ है, वो भी कोई अलग नहीं है हमसे, आते हम में ही हैं वो भी, मगर हमारा जो परंपरा चली आई है रामचंद्र जी के ज़माने से, और हमारे जो पीर वली पैगम जो गरीब नवाज जो थे, हम लोगों को बहुत प्यार करते थे, गरीब नवाज हुए थे हमारे, जो आपने सुना होगा राजस्थान में गरीब नवाज हैं, तो वो एक साधु संत थे, तो उनके लिए हर मज़हब का लोग जाता था, हिंदू मुस्लिम सब जाना। तो हम लोगों को जो हम लोगों को जो प्यार, जो हम पीर फकीरी में रहते हैं, तो हमको फकीरी अच्छी लगती है, क्यों हमारा रूप एक फकीरी रूप है। तो हम कहते हैं दुनिया में हमें किसी ने गले नहीं लगाया, या तो ऊपर वाले ने हमको कोई रास्ता बनाया, जैसे आप अच्छी बिटिया बन कर आई हो, तो आप मुझे प्यार दे रही हो, तो मैं तो आपके प्यार में ही पागल होंगी ना, तो ऐसी फकीरी रूप होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जो जैसे हमारे रामचंद्र जी गए थे एक दफ़े, देखो कहाँ वनवास पे गए थे 12 साल, तो उन्होंने बोला नर नारी सारे चले जाइए, तो उन्होंने बोला नर नारी जाइए, तो ना तो नर नारी चले गए अपने अपने घर, 12 साल वो वहीं तपस्या करते रहिए, हमारी माई जी जो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं माई जी, तो वो 12 साल तक बेचारे वहीं तपस्या करते रहिए किन्नर लोग। तो राम जी ने उनको बोला आप क्यों नहीं गए, मैंने सबको बोला था नर नारी जाइए। बोला सर भगवान जी, ना तो हम नर थे ना नारी थे, आपने नर को बोला नारी को बोला, लेडीज़ को बोला जेंट्स को बोला, ना हम नर हैं ना नारी हैं, हम कहाँ जाते। तो उन्होंने बोला आने वाले कलयुग में तो आपका राज आएगा, तो देखो कोई MLA बन रही है, कोई जज बन रही है, कोई अच्छी प्रोक्टर, अच्छी बिजनेसमैन है, कोई अच्छी पोस्ट पे है, और आजकल बहुत इंटरनेशनल लेवल पे ये काम कर रही है हमारी किन्नर समाज की। तो देखो कहीं ना कहीं कुछ है इस कलयुग के अंदर जो किन्नर समाज को वरदान मिला हुआ है। आप लोग पूजा किसकी करते हैं? हम कहते पूजा, हैं सभी भगवान जो हम लोग मानते हैं उनको, जो आप देखो मैं कहती, मैंने क्या बोला, भगवान ईश्वर अल्लाह हमारे कड़कड़ के अंदर है। आप इस दिल को धोला, सारे भगवान की भी पूजा हो गई, किशन जी की भी पूजा हो गई, अल्लाह की भी पूजा हो गई, जब तक हमारा ये दिल ही पूजा के लायक नहीं है तो हम किसकी पूजा करें। मैं सबको फॉलो करती हूँ, इंसानियत को लाओ, मैं इंसानियत को मानती हूँ, मैं इंसानियत की बहुत कदर करती हूँ। अब हमारा कांवड़ चलेगा, पूरा एक महीना हमारा लंगर चलेगा, हम कांवड़ियों की बहुत सेवा करते हैं, टेंट लगाते हैं, खिदमत करते हैं, जो कमाते हैं हम किसी से नहीं, सिर्फ जो मेरे बहन भाई देते हैं, जो नवेड़ा वाले मुझे देते हैं, मैं उनमें से करती हूँ। मैं जीप से लेके, चैटी से लेके, पक्षी से लेके, मछली से लेके, कुत्ते से लेके, मैं सबको देखती हूँ। अभी कोई कुत्ता दिख जाए मुझे बीमार, मैं अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्टल छोड़ जाऊँगी उसको।
तब मैं एक इंसानियत, मैं चाहती हूँ ये इंसानियत मेरे पूर्वजों में थी पहले, तो अब मैं जो इंसानियत का काम करूँगी तो आने वाली छवि मेरे बच्चों के अंदर भी जाए। जब इनको नहीं बताऊँगी तो इनकी गुमराही क्या, अपनी लाइफ जीना और चले जाना, तो वो लाइफ नहीं होती दुनिया से जाना। क्या कभी लगता है कि मतलब हमारे भी बच्चे हों? देखो लगता है, मन में आता है क्या कि अपनापन हो, मतलब फिर हमारे देखते हैं ना हम किन्नर हैं, तो मैं अपने बच्चों को देखती हूँ मेरे बच्चे यही हैं, और जो मैं सबको जाती हूँ तुम मेरी बेटी तुम मेरी बच्ची हो, ऐसा कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं ऐसा। आप मिलकर तो ऐसा लगता है तुम मेरी बेटी हो, मेरे पेट से हो, आपका दुख नहीं सह सकती, कभी कॉल करना, कभी मजबूरी परेशानी में मैं आपकी पूरी फीलिंग सुनूंगी, ये नहीं कि आप क्या है, नहीं मैं नहीं हूँ, नहीं सब नहीं बेटी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसे समझाती हूँ सबको, ऐसा कुछ नहीं, कभी ज़िंदगी में लाइफ में आया नहीं कि बच्चे बच्चे कुछ नहीं, अपना मन सही, ईश्वर के यहाँ जाना है, लौट के वापसी, हमें वो कर्म करना चाहिए जो पीछे छाप रह जाए, आने वाली पीढ़ी काम वो करती रहे। अच्छा, क्या ऐसा भी है कि कुछ किन्नर्स जो होते हैं वो प्रोस्टिट्यूट बन जाते हैं या प्रोस्टिट्यूट मतलब धंधा करना? देखो देखो सुनो सुनो मैं बताती हूँ, उनकी भी एक मजबूरी है, उनको मैं नहीं कह सकती, जब कोई समाज से जब निकल जाते हैं और उनकी एक मजबूरी है, क्या है क्या नहीं है, वो अपने जिस्म फरोशी भी करते हैं, वो जिस्म फरोशी जब घर से निकल जाते हैं वो हमारे समाज से लाख नहीं होते, जो समाज से समाज के होते हैं तो हमारे समाज में आते हैं, वो कभी काम नहीं करेंगे ऐसा। और कुछ लोगों ने अपना नहीं है ऐसा बना रखा है, लोगों को बदनाम करने वाला काम है, ऐसा करते हैं। देखो हर लोगों में एक लड़की है, पाँच लड़कियाँ, पाँच लड़कियों में एक तो जज बनी हुई है और एक परिवार से नहीं अच्छी बनी हुई है और एक मजबूरी की पेट की खातिर गलत काम में बेशिया का काम करने लगती है। तो देखो किन्नरों के अंदर देखो कहीं प्यार भी है कहीं अच्छाई भी है, सारे किन्नर अच्छे भी नहीं होते, सारे किन्नर बुरे भी नहीं होते, तो उनकी भी एक पीछे एक मजबूरी है, मैं गलत नहीं कह सकती इनको भी, देखो उनका भी पीछे एक मजबूरी है, क्या कारण है इसकी, क्या मजबूरी है जो रात को उनको रोड पर खड़ा होना पड़ा, एक पेट की नहीं है तो उस पैसे को खाएंगी तो नहीं, एक पेट ही तो भरेंगी, उसकी समाधान उसकी कोई बात धरी जाती है या वो उसकी बात उसके समाज के आगे धरी जाती तो क्या पता उसको उस काम पे तरने पड़े। और कुछ लोगों की ये मजबूरी, लोगों ने धंधा बना रखा, कपड़े पहनते किन्नरों को बदनाम करते हैं, अच्छे खासे लड़के होते हैं लेडीज़ कपड़े पहन के खड़े हो गए, लोगों को लूटना करना, वो हमारे समाज से बाहर है। हाँ, मैंने कई बार ये चीज़ें नोटिस की है, जैसे रास्ते में रोड में काफ़ी किन्नर्स होंगे जो मतलब पैसा लेने के, लेकिन कई बार मैंने ये भी देखा है कि वो होते नहीं है किन्नर, वो एक आदमी होता है, आदमी होता है पूरा, एक आदमी होता है कपड़े पहन के, लेडीज कपड़े पहन के, दो मिनट के लिए नाटक कर लो ना ड्रामे में, सीता बन वो हर रोल कर लो, अच्छा खासा इंसान नहीं, और भगवान जी का रूप कर लेता है, एक अच्छे साधु महात्मा बन जाता है, पीर बन जाता है, तो ये तो लोगों का काम है। रियल आपको कैसा लगा हमारे किन्नरों में आके, रियल लगे कैसे लगे, किस तरीके के किन्नर लगे आपको? रियल मतलब कि जैसे समाज वाले, फैमिली वाले, हम भाई को भाई माँ को माँ मानते हैं, हमारे अंदर माँ का भी प्यार मिलेगा, भाई का भी मिलेगा, बाप का भी मिलेगा, एक बहन भाई वाला प्यार भी मिलेगा, हम वो इंसानियत को फॉलो करने वाले लोग हम गलत। आज हमको नोएडा के अंदर परतला में मुझे आज पूरे 22 साल हो गए, और 22 साल में आप मैं यहाँ बैठी हूँ, आप नहीं है, मेरा सिटी सेंटर से लेकर होशियारपुर सरपाबाद परतला और ये पूरे गांव के अंदर मालूम कर लो साहिबा कैसी है, बस मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहती। वो साहिबा है जिसने काफ़ी मशक्कतें की, बहुत कुछ फेस किया, और आज वो साहिबा है जिसको हर कोई जानता है। सब ऊपर वाले की दुआएं, ऊपर वाले का प्यार है और मेरे बहन भाइयों का, तुम सब लोगों का प्यार है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मतलब फीलिंग्स आ रही हो या किसी के उसमें बोलते हैं ना कि किसी कोई अट्रैक्ट कर रहा हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात ऐसी कोई कोई ऐसे देखो अच्छे हमारे लोगों में किन्नर होते कि आप बहुत सुंदर हो, आप इतनी खूबसूरत हो, आप तो लगती नहीं हो, फिर हमको बोलते नहीं भैया आप राजी रहो, खुश रहो, अच्छे रहो। देखो हम दुआ ही लेने के लिए बने, दुआ ही देखो जो चीज़ सब हो ही नहीं सकती तो आप बेकार है। क्योंकि कई सोशल मीडियाज़ में आपने भी देखा होगा, आप भी एक्टिव रहते हो, मैं भी रहती हूँ, तो उसमें कई ऐसे वीडियोस होते हैं कि जिसमें कोई किन्नर किससे शादी कर लिया है, घर लेकर के आया है ना, बाद में कुछ लोग फेस भी करते हैं। बोला वो ट्रांसजेंडर का मसला है, वो हो गया एक अलग, एक लड़का लड़की थे, ये तो आम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया एक लड़का लड़की शादी कर सकता है। अब आप ये बताइए हम में और उनमें कितना अंतर लिखा सारे किन्नरों के अंदर, आप समझदार हो, प्लेटफार्म पर रहती हो और आप हर बात को कैच करती हो, ऐसी नहीं हो आप, बच्ची हो मेरी बेटी हो, मगर समाज के सामने आप आँखों में आके डाल करने के बात करने का दम रखती हो, तो आपको कैसे लगा उनमें और हम लोगों के अंदर?
यहाँ पे तो दिख नहीं रहा कि किसी के सामने आप आकर्षित हो गए। बस तो हम नहीं, हम बहुत समाज वाले लोग हैं, हम जो चीज हो ही नहीं सकती हम उसको बिल्कुल नहीं मान सकते, ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उस चीज़ को। हम सिर्फ दुआएं दे सकते हैं, बच्चे वालों के बच्चे जीते रहें, माता रानी खुश रखे, अल्लाह पाक सबके बच्चे बने रहें। हमारे लिए हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब एक इंसान, एक जाति एक इंसान। अच्छा कभी ऐसा होता है कि मतलब पीरियड्स वगैरह क्या आप लोग? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। हम एक नॉर्मल एक इंसान होते हैं और थोड़ी सी अपनी जो भी कोई दिक्कत होती है पेशाब करने की प्रॉब्लम की, वो उसको हम डॉक्टरी से उसको चेंजिंग करा लेते हैं बस। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा सब कुछ होता तो फिर मैं क्यों अपने बच्चों के बीच में बैठती, मैं भी कहीं अच्छे से घर में बैठती शादी करके। ऐसा कुछ नहीं होता। और अपने आप को हम चाहें तो थोड़ा सा, आजकल देखो जैसे फिल्म लाइन में देखो लड़कियाँ होठ बना रही हैं, चेंजिंग करा रही हैं सच, तो थोड़ा बहुत बच्चे करा लें किरनल तो उसको कुछ नहीं मानता, ये अपनी लाइफ है अपना जीने का हक है सबको। अच्छा जब मेकअप लेने जाते होगे तो फिर क्या कहते हैं लोग? मेकअप लेने जाते हैं कुछ नहीं कहते हैं, आप कितनी अच्छी तरीके से आती हो, इतना ब्रांडेड मेकअप खरीदती हो और अच्छी तरीके से जाती हो। हद है, साहिबा जी आ गई आप? आ गई और बहुत प्यार से, बहुत डिस्काउंट कर लेते हैं। मैं कितनी भी ऊँची शॉप पर जाती हूँ मुझे सब डिस्काउंट करते हैं, सारे भाई मुझे को डिस्काउंट करते हैं, कहीं पर भी जाती हूँ हर जगह छोटी से लेके बड़े से सब डिस्काउंट करते हैं। अच्छा जब दुआएं और बधाई देने कहाँ मतलब कब कब आप ओकेजन में जाते हैं? मैं जाती हूँ जैसे अब तो नहीं है सीजन बंदे शादी का, जैसे बेटा हुआ, दीदी आ गई, नमस्ते कैसी हो, मेरा बेटा ठीक है, उसको लोरी दी, उसकी नज़र उतारी, चावल घर में डाला और प्यार मोहब्बत से उन्होंने हमें बच्चे का सगन दिया। उनकी सैलरी 25,000 है तो हम बोलते हैं, बोली दीदी अफोर्ड नहीं कर सकती 25,000 तो भैया कमाते, तो मैंने कि चलो आप थोड़ा बहुत आधा कर दो आपके भी काम में। ऐसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि मतलब नहीं इतना चाहिए तो चाहिए। मैं उसके खिलाफ। आप उसके खिलाफ? हाँ। ऐसा क्यों? यूँ खिलाफ हूँ, देखो एक मन है, एक हमको पता है आप मेरी बिटिया हो और एक आपके बड़े सर हैं, तो वो तो पूरा ऑफिस चला रहे हैं तो उनकी तो अफोर्ड कर सकती है 1,00,000 देने की, और आप कमा रही हो 25,000 तो मैं आपसे 31,000 मांगूँ, ये मेरा फर्ज बनता है? ये मेरा मन कहता नहीं ना, आप दे तो दोगी मगर अंदर से मायूस हो के मन खुश हो, वो पता नहीं पैसा किधर चले जाएगा। तो मैं कहूँगी नहीं मेरी बेटी खुश, बेटी आप ऐसे करो आधा दे दो तो उसमें मैं खुश हो गया, जो खुशी से बने वो दे दो। कोई जिद नहीं करते हमारे लोगों में, और मैं जिनको भी कहती हूँ इतना जिद भी नहीं करो, माहौल को देख के, समय को देख के, और पहले समय कुछ और था, पहले अच्छी तरीके से था, पहले जीएसटी नहीं थी, इतना उछल तुलक नहीं था देश के अंदर। अब देश के अंदर बहुत मुश्किल होता है एक इंसान को बिजनेस करना, बिजनेस वो जिसका खुद की अपनी शॉप है वो रोटी खा सकता है और किराए पे करेगा, वो किराए देगा बच्चों का पेट भी नहीं भर सकता, तो मैं इसलिए कहूँगी अपना समझ के प्यार से जो दें लेना चाहिए। अच्छा आप लोग पूरा दिन क्या क्या करते हो, कहाँ कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, घर से काम पे से घर से काम बस, और कुछ भी नहीं बस। अच्छा जो पैसे आप लोगों को मिलते हैं वो क्या दादी जी को देते हो आप लोग या फिर? मैं इनको थोड़ा खर्चे घूमे। हाँ बस। अच्छा पूरे दिन में फिर भी कितना क्योंकि देखा जाए चिलचिलाती धूप आप लोगों की भी मेहनत ही। हाँ सुबह हम जाते हैं 8 बजे और आ जाते हैं 12-1 बजे तक, दोपहर में 12-1 बजे, फिर इसके बाद यहाँ पे खाना घर पे। हाँ खाना वाना सब बना मिलता है हम लोगों को। अच्छा ऐसी कोई बात? भैया है यहाँ पे खाना बनाते हैं जो? जी हाँ वो भैया शुरू से रहते दादी के पास। कैसे मजे मस्ती करते हैं? हम अपना भी मस्ती करते हैं दूसरे क्या वीडियो बनाना है, गेम खेलना, एक्टिविटी करना, नहीं नहीं घर में बैठ के एंजॉय करते हैं। हम सब बहनों की तरह रहते हैं और जो हमारे गुरु हैं उनके साथ भी हम एंजॉय करते हैं। दादी तो प्यार करती हैं हमें, मतलब कि कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है लाइफ में के घुट के जिए, मतलब घर में भी हमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा देखा जाए तो बहनों में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं कि तुमने मेरे कपड़े पहन लिए तुमने मेरे। अभी जैसे इन्होंने ये नया सूट पहना मुझे पसंद आया तो मैं पहन लूँगी, ऐसी कोई इशू ही नहीं है इन सब चीज़ों का, मतलब कि एक अलग ही मजा है। मतलब कि पूरी थकान जब हो जाती होगी तो यहाँ आकर के मिट जाती है सब बहनों के साथ। आपस में बहुत एंजॉयमेंट करना, डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं हम लोग साथ में बैठ के। अच्छा आप लोग संडे को छुट्टी में रहते हो या फ्राइडे को छुट्टी? शुक्र को छुट्टी रहती है, शुक्र में ये छुट्टी रहती है। मैं बताती हूँ शुक्र में हमारी छुट्टी रहती है, देखो कुछ हमारे मोमनन भी हैं तो तो एक वो होता है जुम्मे की छुट्टी तो जुम्मा पढ़ने जाते हैं, और कुछ नहीं है जाने वाले बिंद्रावन भी चले जाते हैं, कुछ जाना मेरी एक बेटी है शकीरा वो केदारनाथ गई है, तो सबको अपना अपना अधिकार है, कोई किनाट पुलिस चली जाती है किरचन, तो मैं नजामुद्दीन जाती हूँ। अच्छा
जब ये लोग जाते हैं तो परमिशन आपके थ्रू ही लेना पड़ता है? बेटा कब आओगे? कहती मम्मी हम कल परसों आ जाएंगे, आ जाना। मैं भी चली जाती हूँ अपने, निकल जाती हूँ मैं तो, मेरा तो कुछ पता नहीं मुझे कहाँ जाना और कहाँ पहुँच जाती हूँ। ऊपर वाला मुझसे पता नहीं कहाँ भेजना होता और कहाँ पहुँच जाती हूँ, ये तो सब ऊपर वाले का नाम है। अच्छा, देखा जाए तो वो आपसे ये पूछ रही थी कि देश में जगह जगह किन्नर है, तो क्या आप उन सबसे कनेक्ट रहते हैं? वो ऐसा है ना, हमारे जितने भी भारत के अंदर किन्नर समाज है, जितने भी हैं, जैसे हमारे स्टेट के हैं तो हमारे नोएडा के अंदर हमारे और भी काफ़ी सारे किन्नर हैं, तो हम अपने नोएडा के कहलाए जाएंगे। कोई भोपाल के हैं वो भोपाल के कहलाए जाएंगे। जब एक फेस्टिवल होता है बड़ा, उसमें हम लोग जाते हैं तो सारे एक हो जाते हैं, तो हम मिलते हैं जुलते हैं। और हमारे अंदरूनी प्रोग्राम होते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के, तो उसमें जाते हैं। वो अपने अपने अलग हैं, अपने अपने स्टेट के किन्नर अलग होते हैं। अच्छा, आपको करना क्या पसंद है? मेरी को आई एम ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट। मेरी दादी ने मुझे कोर्स कराया हुआ है। अरे वाह। हाँ, और मुझे मेकअप करना पसंद है, खाना बनाना पसंद है किचन में, मतलब कि बहुत सारी नई नई एक्टिविटी। मैं अभी भी बता रही थी आपको कि हम करते रहते हैं, इससे अलग भी, मतलब कि हमें कोई रोक टोक नहीं है। मेकअप आर्टिस्ट के तो आप वीडियोस वगैरह सब डालते हैं? हाँ, मैंने VLCC से किया हुआ है। अच्छा। हाँ, दादी ने कराया था मेरे को। बहुत बढ़िया। तब तो मना नहीं करते वो किसी चीज़ के लिए, अगर हमारी कोई चॉइस है तो उस चीज़ के लिए हमें आगे बोलते हैं कि आप उस चीज़ में ग्रो अप करो, मतलब कि वो चीज़ रोकने वाली नहीं है। कभी इतना सपोर्ट मिला जितना दादी से ही मिला है हमें तो, दादी से। आपको क्या करना पसंद है? मुझे कपड़े पहनना है। कितनी शॉपिंग हो जाती है? मुझे शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, एक से कपड़े पहनना, सूट। सूट जी। तो किस कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हो? नहीं, कमला नगर, कमला मार्केट तो मैंने भी देखा। हाँ, बस वहीं से जी। और आपको क्या करना पसंद है? खाना बनाना। सबसे अच्छी डिश कौन सी बनाती है? मैं बना लेती हूँ शाही पनीर। मुँह पे पानी आ गया मेरे। शाही पनीर बना लेती हूँ मैं, अच्छी वेज सब्जी वगैरह सब कुछ। आपको अच्छी लगती है क्या? हाँ, मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। मैं तो कह के ये मसाले की वो बनाती हैं ताहरी, मैं कह के बोलती हूँ कि बनाओ मेरे लिए, दोबारा बनाओ, मैं लड़ लड़ के बनवाती है। देख रहे हो कितना प्यार कर रही हैं आपसे जी। तो मतलब देखा जाए तो पूरा खुशी का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अच्छा, खाली बैठे बैठे कभी ऐसा नहीं होता कि चलो डांस किया जाए, गाना गाया जाए? मैंने अभी बोला था आपको, फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, ये होता है, हम आपस में जैसे लूडो खेलते हैं या कोई भी न्यू गेम आता है वो खेलते रहते हैं। घर में हम अपने एक होता नहीं गेट टुगेदर पार्टी जो होती है समथिंग, तो ये सब हम करते हैं घर में बैठ के आपस में इंजॉय करना। घर से बाहर तो जाते ही नहीं है वैसे। हाँ, कौन गाता है गाना? गाना आपको कौन सा गाना पसंद है? मेरे को गाना ये वाला पसंद है, गजल ज़्यादा पसंद है। गजलें? वाह, तब तो अच्छे शौक है आपके भी। बताइए एक गजल जो आपको सबसे अच्छी लगती है। मेरी महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। अच्छा, गजल किसकी सुनते हैं? मैं किसी की भी सुन लेती हूँ। आपको कौन सा फेवरेट सिंगर अच्छा लगता है? शाहरुख खान अच्छा लगता है। क्यों? उसका ये वाला एक्शन ज्यादा अच्छा लगता है क्या? शुरू से अच्छा लगता है मुझे, बचपन से ही। कितनी मूवीज देख चुकी है शाहरुख खान? बहुत सारी, जितनी भी आती है सारी। पहला टिकट हो जाता है? हाँ, सबसे पहले। अच्छा, तो शाहरुख खान का सबसे कौन सी अच्छी मूवी लगी? ओम शांति ओम का गाना अच्छा लगता है मुझे। हाँ, तो बड़ा पसंद है ओम शांति ओम का, मुझे पसंद है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो शाहरुख खान के साथ ना ये भी होता है कि शाहरुख खान की जोड़ी जो है काजोल के साथ ज्यादा अच्छी लगती है, कुछ कहते दीपिका के साथ भी अच्छी लगती है, जो उनका हम सफर है उसके साथ ज्यादा अच्छी लगती है, उसके साथ ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, क्या जानती है शाहरुख खान के बारे में? सबसे अच्छी खास बात जो बहुत पसंद हो शाहरुख खान? उसका हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल में फिदा है। आपको कौन सा हीरो पसंद है? मुझे इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में, नहीं हीरो में। तो फिर आप क्या देखते हो बताओ? मैं नहीं, बस अपने घर में एंजॉय करती रहती हूँ। इसका रील्स ज़्यादा बनाती हूँ। लेकिन रील्स ज़्यादा बनाते हो? कैसी रील्स बनाते हो? नॉर्मल सी, सिर्फ सॉन्गों की वीडियो अच्छी बनाती हूँ।
जैसे होता है ना कुछ लोग हंसी मजाक वाली बनाते हैं? नहीं ऐसी नहीं बनाती, मैं सिर्फ गानों पे बनाती हूं। गानों में बनाते हो? कोई तो गाना गा दो। गाना मुझसे नहीं आता। अरे गा दो। गाना नहीं आता वैसे। गाना नहीं आता, कोई बात नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आखिरकार, मतलब ये सवाल हर बार रहा है कि आखिरकार कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी सारी चीज़ों को फेस करने के बाद भी ये खुश है, और एक जो इनका खुद का एक परिवार जो बन चुका है उसमें ये अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, लोगों को दुआएँ देते हैं, जो लोग इनके बारे में ना जाने कैसे कैसे शब्द यूज़ करते हैं उनको भी ये दुआएं दे देते हैं। अगर आप और मैं हूँ तो अगर आप मेरे को कुछ बोलोगे तो मैं अगला आपको बोल के मारूंगी या बददुआ दे दूंगी, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपके लिए हमेशा दुआ करते हैं। तो आप लोगों से भी यही मैं उम्मीद करूंगी कि कभी इनको निराश मत करिए, जो खुशी आप जो आपके अपने तक दुआ नहीं करते आपकी खुशी के लिए, यहाँ पे आप उनके नहीं हो लेकिन फिर भी वो आपको अपना मान करके आपकी खुशियों की दुआ करते हैं। कैमरा पर्सन अवनीश पवार के साथ मैं जूही तोमर, न्यूज़ 1 इंडिया।